समय पर महारत हासिल किए बिना कोई भी अपने जीवन में अपने भाग्य की प्रकृति को तय नहीं कर सकता है। तो समय पर महारत हासिल करने का एक ही तरीका है, अपनी ऊर्जाओं के काम करने के तरीके पर महारत हासिल करना। अगर आप एक भाप इंजन की तरह काम कर रहे हैं तो बहुत समय लगेगा। अगर आप एक जेट इंजन की तरह काम कर रहे हैं तो बूम। और जिसने अपने पर महारत हासिल कर ली है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड करुणा की मिठास है। एक बार जब आप एक इंसान के रूप में यहां जन्म लेते हैं तो जीवन थोड़ा जटिल हो जाता है। अगर आप इस धरती पर किसी दूसरे जीव की तरह आए होते तो पेट भरा होने पर जीवन तृप्त रहता। जब आप एक इंसान के रूप में यहां हैं तो पेट खाली होने पर केवल एक समस्या है, पेट भरा होने पर 100 समस्याएं। So what we are calling as life here is just a certain combination of time and energy. तो जिसे हम यहाँ जीवन कह रहे हैं वो समय और ऊर्जा का एक खास जुटाव है। समय और ऊर्जा के इस जुटाव को दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग इसे लगातार शानदार तरीके से संभालना कभी नहीं सीखते। अड़चन के बाद अड़चन, हर चीज एक समस्या होती है। अगर आप बच्चे हैं तो आपको डायपर की समस्या है, अगर आप किशोर बन जाते हैं तो आपको हार्मोन्स की समस्याएं हैं, अगर आप अधेड़ हैं तो वो एक संकट होता है और बुढ़ापा भयानक होता है। जीवन के हर दौर को लोग किसी न किसी समस्या की तरह देख रहे हैं। बेशक मौत एक गंभीर समस्या है, तो ये समय और ऊर्जा का जो जुटाव है उसे हम संभाल रहे हैं, इसीलिए हमें उसकी प्रकृति को समझना चाहिए। समय की प्रकृति ऐसी है, आप कुछ करते हैं तो ये खिसकता रहता है, अगर आप कुछ नहीं करते तो भी ये खिसकता रहता है, आपको इसे धकेलना नहीं होता। मैं बता रहा हूं, हेलो, आप अभी यहां बैठे हैं, समय खिसकता जा रहा है, आप बहुत काम कर रहे हैं, समय खिसक रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी ये खिसक रहा है, आप जागे हुए हैं ये गुजर रहा है, आप सोए हुए हैं ये गुजर रहा है। पर समय पर महारत हासिल किए बिना कोई भी अपने जीवन में अपने भाग्य को तय नहीं कर सकता। तो समय को कैसे मुट्ठी में लें? लोग टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्या आपने कभी समय को मैनेज किया है? आपके यहां बैठे बैठे ये गुजरता जा रहा है, जो टिक टिक करके चल रही है वो घड़ी नहीं है, ये हमारा जीवन ही है जो टिक टिक करके खिसक रहा है। हेलो, मेरे अंदर आने के बाद से आप अपनी कब्र के 2 मिनट करीब हैं। हाँ, आप हैं और मैं भी। यही समय की प्रकृति है, आप जो भी करें या ना करें, आप चाहे जो करें लेकिन आप समय को पीछे नहीं मोड़ सकते, ये बस आगे बढ़ रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप खुश हैं तो यह बहुत तेजी से गुजरता हुआ लगता है, अगर आप दुखी हैं तो यह आपके लिए बहुत धीमे बीतता है। क्या आपने इस पर ध्यान दिया है? किसी खास दिन आप बहुत खुश हैं, 24 घंटे फट से गायब। अब आप उदास हैं तो 24 घंटे आपके लिए एक सदी की तरह लगते हैं, है या ना? तो केवल दुखी लोगों का जीवन लंबा होता है। अगर आप एक खुश मिजाज इंसान हैं, तो ये जीवन छोटा है। अगर आप परमानंद में हैं, तो ये सिर्फ एक पल का है। आपको पता चलने से पहले ये खत्म हो जाएगा। जीवन इतनी तेजी से गुजर गया कि मेरे शरीर को भी एहसास नहीं हुआ कि समय बीत चुका है, और अभी भी ये मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि समय बीत चुका है। ये ईशा का 30वां वर्ष है, ये ईशा फाउंडेशन की 30वीं वर्षगांठ है, और मुझे यकीन ही नहीं होता 30 साल। मुझे अपने अनुभव में ये 3 दिन जैसे लगते हैं, और इन 3 दिनों में या 30 वर्षों में मेरे कार्यक्रम ऐसे रहे हैं, सिंगापुर मेरे लिए एक छुट्टी है, मैं सिर्फ गोल्फ खेलने आता हूं, वरना मेरे कार्यक्रम पागलों जैसे होते हैं। ठीक है, हर दिन
कम से कम 20 घंटे हम लगे रहते हैं। मैंने अब तक मेरा एक भी हवाई जहाज नहीं छूटा है। एक दिन में कभी कभी मैं 6 हवाई अड्डों पे रहा हूं, लेकिन कभी मेरा हवाई जहाज नहीं छूटा। मैंने कभी कोई मीटिंग नहीं छोड़ी। 30 साल में एक भी मीटिंग में मुझे देरी नहीं हुई। लेकिन मैं समय को मैनेज नहीं करता, मैं खुद को मैनेज करता हूं। तो समय को कैसे संभालें? संभालने के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। ये आपके हाथ में नहीं है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, ये गुजर रहा है ना? हाँ, अगर आप यहाँ बैठते हैं तो ये गुजर रहा है, अगर आप इधर उधर कूदते फिरते हैं तो ये गुजर जाएगा। आप जो चाहे करें ये गुजर जाएगा, है ना? लेकिन जो चीजें आप खुद के साथ कर सकते हैं उन्हें आप मैनेज कर सकते हैं। समय के साथ कुछ नहीं करना है तो खुद को मैनेज करने की जरूरत है, समय को नहीं। कुछ दिन पहले मैं भारत से फ्लाइट से यहाँ आ रहा था। आमतौर पर लगभग 13.5-14 घंटे लगते हैं, पर अब मुद्दा ये था कि पाकिस्तान अपने ऊपर से हवाई जहाज को उड़ने की इजाजत नहीं दे रहा था, तो 16 घंटे लग रहे थे। क्योंकि मैं सभी पायलटों को जानता था और मैं खुद एक लाइसेंस प्राप्त पायलट हूं, तो उन्होंने मुझे कॉकपिट में आने दिया और वहां जो हो रहा था उसमें मुझे दिलचस्पी थी। तो मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कहा, सदगुरु। मैंने कहा, 14 घंटे है ना? उन्होंने कहा, नहीं सदगुरु, 16 घंटे, ये बहुत लंबा समय है। तब मैंने कहा, देखिए मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बस एक सदी पहले अगर मुझे अमेरिका जाना होता तो 60 दिन लगते, अभी 16 घंटे। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं ठीक हूं। मैं बैठूंगा, लेटूंगा, कुछ पढ़ूंगा, कुछ और करूंगा या आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं 16 घंटे के बारे में शिकायत नहीं कर रहा हूं। 60 दिन 16 घंटे कैसे बन गए? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम भाप से चलने वाले इंजन से जेट इंजन में आ गए हैं। हेलो, अचानक 60 दिन 16 घंटे हो गए। तो समय को अपने हाथों में लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी ऊर्जाओं के काम करने के तरीके पर महारत हासिल करना। अगर आप एक भाप के इंजन की तरह काम करेंगे तो लंबा समय लगेगा, अगर आप एक जेट इंजन की तरह काम करेंगे तो बूम। अभी वो बता रहे हैं कि चीनियों ने एक हवाई जहाज विकसित किया है जिससे आप बीजिंग से न्यूयॉर्क तक 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। वो कह रहे हैं कि 2028 तक वो इसे कमर्शियल रूप से तैयार कर लेंगे। 2 घंटे। तो ये समय पर महारत नहीं है, पर इसका नतीजा समय पर महारत है। तो जो काम कोई इंसान 10 साल में करता है, अगर आप उसे 1 साल में कर सकते हैं, अगर आप दोनों 100 साल तक जिंदा रहते हैं, तो असर और अनुभव की गहराई के मामले में आप 1000 साल तक जिंदा रहे। हेलो, सिर्फ यही तरीका है जिससे आप समय को अपने हाथों में ले सकते हैं, और जिसने समय पर महारत पाली है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड करुणा की मिठास है। एक बार समय पर महारत पा लेने पर उसके जीवन का अनुभव इसी तरह का होगा।